जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलियों, सभी का अपनी YouTube चैनल कमांडो किड में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली SSC JD की नई भर्ती को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th या 10th पास किए, वो वेट कर रहे हैं 2023-24 वाली नई SSC JD की भर्ती की। क्योंकि आप सभी को पता, अग्निवीर जब से 4 साल की हुई है, उसके बाद में इस भर्ती का इंतजार ज्यादा बढ़ गया है और ये वैकेंसी भी काफी बड़ी पोस्टों पर आती है। लगभग आप सभी को पता है, अभी पिछली जो वैकेंसी चल रही है वो लगभग 50,000 पोस्ट पर है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में SSC JD की वैकेंसी चल रही है। और अगली जो वैकेंसी आने वाली है, इसकी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लगभग 84,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी होगी। इसके पीछे के जो रीजन है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये वैकेंसी इतनी बड़ी क्यों होगी, इसके पीछे का रीजन आपको एक CRPF की नोटिस भी दिखाया था, जो ऑफिशियल नोटिस पे आया था, ओरिजिनल जो वेबसाइट है उस पे, कि लगभग CRPF में कितने पोस्ट खाली है। उसके बाद में एक रिसेंटली एक नोटिस और आया था पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, जिसमें भी ये बताया गया था इतने पोस्ट पर वैकेंसी हो सकती है। अब इसको लेकर बहुत सारे बच्चे इस चीज को देख रहे हैं। आप सभी को बता दूं, जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो SSC की भर्ती के बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दूं कि SSC JD के थ्रू आप लगभग 8 से 9 फोर्स में चले जाते हैं। कौन कौन सी, जैसे मोस्टली अगर आप बात करेंगे तो जैसे CISF, CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल और SSB, इसके अलावा NIA और SSF, ठीक है, इन 8 फोर्सेस में। इसके अलावा इस बार NCB भी एक और जोड़ी गई थी, NCB। ये लगभग 9 फोर्स में आप जा सकते हैं SSC GD के थ्रू। और आपको बता दूं, ये 4 साल वाली नौकरी नहीं है, जो भी बच्चे अभी 10th क्लास पास किए हैं उनको SSC GD की जो वैकेंसी होती है ना बेटा, वो होती है 10th प्लस। यानी अगर आप 10th क्लास पास है, भले कितने ही परसेंटेज है, अगर आपके परसेंटेज मान लीजिए 40% है, 42% है, कितने भी प्रतिशत है, तो भी आप SSC GD की तैयारी कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है वो मेन ये है कि आपके 18 साल एज होनी चाहिए और 10th क्लास केवल पास होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया ये है। ऊपर से ऊपर एज इसमें 28 साल तक जाती है, अगर कोई ST कैटेगरी का बच्चा तो 28 साल तक इसकी तैयारी कर सकता है। ध्यान रखिए, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो हमारी एकेडमी में अभी SSC GD के गारंटेड बैच के एडमिशन हो रहे हैं, आप इस समय एकेडमी आके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 10th क्लास पास किए तो 11th 12th भी आप हमारे साथ रहकर कर सकते हैं, आपने 12th पास किए तो भी एकेडमी आ सकते हैं। इसके साथ एक चीज और बता दूं, दिल्ली पुलिस का अभी एकेडमी में जो गारंटेड बैच चल रहा है, अब वो आपको ऑनलाइन माध्यम पर भी अवेलेबल है, जिसका नाम रखा गया जीत बैच। ये बैच 13 तारीख से शुरू होगा, एकेडमी के जो बच्चे हैं उनकी क्लासरूम से ये लाइव बैच होगा, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, कमांडो एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ये लोगो मिलेगा कमांडो एकेडमी लिख के, और उसमें आपको जीत बैच मिलेगा, जिसकी प्राइस बिल्कुल कम 499 रुपए रखी गई है। इसमें पूरा का पूरा बेच लाइव बेच रहेगा। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो वहां पर आपको डेमो के लिए नोट्स और एक वीडियो भी मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, PDF नोट्स मिलेंगे, किस हिसाब से आपका वीडियो क्लास होगी, लाइव क्लास रहेगी क्लासरूम से। तो अगर आप इस बेच से जुड़ना चाहते हैं तो कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, 13 तारीख से बेच शुरू होगा, आज ही आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है लाडलो। और हाँ, एकेडमी में भी 13 तारीख से दिल्ली पुलिस के गारंटेड बैच शुरू होंगे, अगर आपको आना है आप 13 तारीख से पहले आ सकते हैं लाडलो। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने SSC के जो कैलेंडर देखा था उसके अनुसार भी आप एक चीज देख लीजिए, अभी जो प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी चल रही है वो 15 जुलाई से इसके 17 जुलाई से इसके मेडिकल चलेंगे और जुलाई अंत तक खत्म हो जाएंगे और अगस्त के माह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी अगस्त के माह में प्रेजेंट टाइम वाली जो SSC GD 2023 वाली वो खत्म हो जाएगी। और SSC GD का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जब पहली वाली वैकेंसी खत्म हो जाती है उसके तुरंत 1-2 महीने के अंदर अंदर नई वैकेंसी SSC GD की आ जाएगी। यानी अगर ये अगस्त में खत्म हो गई, होगी 100%, क्योंकि इसके मेडिकल शुरू हो गए 17 जुलाई से, तो 17 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक मेडिकल चलेंगे और 25 अगस्त तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में नई वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो नई वैकेंसी आने की पूरी पूरे जो चांस है वो है नवंबर महीना, यानी नवंबर अक्टूबर या नवंबर माह में आपको SSC GD की जो अगली वैकेंसी 2023-24 ये देखने को मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इस डेट तक यानी नवंबर तक 18 साल के हो रहे हैं, उन बच्चों को अगर आपका टारगेट है SSC GD के थ्रू इन फोर्सेस में जाने का, तो आप 100% इनकी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी SSC GD का हमारा बैच चल रहा है और ऑफलाइन एकेडमी में भी आ सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली, अगर कोई बच्चा अभी 10th क्लास पास किया है या 12th पास किया, तो उसको मेरी राय ये रहेगी कि सबसे पहले आप ऑफलाइन तैयारी करें,
ठीक है, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े पहले। अगर कोई बच्चा पहले तैयारी किया हुआ कहीं पे भी तो वो ऑनलाइन तैयारी कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप डाउट इतने अच्छे से नहीं पूछ सकते जितने आप ऑफलाइन में पूछ सकते हैं। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।